हे गाइस, आर यू ऑल सेट फॉर दिवाली? क्या आप दिवाली के लिए तैयार हैं? दिवाली की सारी तैयारियां हो गई हैं एज दिवाली इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि दिवाली आने वाली है। दिवाली बस पास में ही है, कुछ ही दिनों में दिवाली है। इसके लिए आप बोलेंगे दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर और दिवाली इज़ राउंड द कॉर्नर। इस दिवाली क्या प्लान्स हैं? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस दिवाली? व्हाट आर योर प्लान्स फॉर दिस दिवाली? वॉट एवर योर प्लान्स आर, आपके जो भी प्लान्स हैं, यू विल डेफिनेटली नीड टू टॉक अबाउट दैट। आपको उस बारे में बात करने की ज़रूर ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड सर्टनली यू वॉन्ट टू टॉक ऑल ऑफ दैट इन इंग्लिश एज यू हैव क्लिक दिस वीडियो। और निश्चित रूप से वो सब आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तभी तो आपने ये वीडियो क्लिक किया है। आई एम राइट एंड आई, मैं सही बोल रही हूँ ना? All right, you have clicked the perfect video. तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। Hi guys, this is Kanchan and a warm welcome to Kanchan Ki Classes by English Connection. इस वीडियो में दिवाली के दिन पटाखे जलाते वक्त आप इंग्लिश में कैसे बात कर सकते हैं ये सीखेंगे। 100 sentences on fireworks, firecrackers and other fireworks. भैया चलो ना पटाखे जलाते हैं। Brother, let's go light the firecrackers. Brother, let's go light the firecrackers. Firecrackers वे पटाखे जो आवाज़ के साथ बजते हैं, और सभी तरह के पटाखे जैसे कि अनार, फुलझड़ियाँ, चटाई, चक्री, इन सबको मिलाकर fireworks बोलते हैं। और अलग अलग इन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब कि जैसे कि अनार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर चिटपुटिया जो आती है छोटी छोटी उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चक्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सब आपको पता चलेगा वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। लोग पटाखों की आतिशबाजी यानी कि पटाखों को जलते हुए देखकर खुशी से चिल्ला रहे हैं। खुशी से चिल्लाना मतलब ऊ आ करके लोग जो चिल्लाते हैं उसके लिए भी एक वर्ब है, ऊ एंड आ। पीपल आर ऊइंग एंड आइंग टू सी द फायरवर्क्स। पीपल आर ऊइंग एंड आइंग टू सी द फायरवर्क्स। क्या तुम पटाखों की आवाज़ सुन रहे हो? कैन यू हियर द नॉइज ऑफ फायरवर्क्स? Can you hear the noise of fireworks? चलो छत पर चलकर पटाखे फूटते हुए मतलब पटाखों की आतिशबाजी देखते हैं। Let's go on the rooftop to watch the fireworks. Let's go on the rooftop to watch the fireworks. तुम कहाँ पटाखे छुड़ाओगे मतलब किस जगह पे? Where will you set off fireworks? Where will you set off fireworks? Set off का मतलब हुआ पटाखे जलाना। हम बगीचे में पटाखे बजाएंगे या बगीचे में पटाखे छुड़ाएंगे। We'll set off fireworks in the garden. We will set off fireworks in the garden. आसपास बहुत सारे पटाखे बज रहे हैं। देयर आर सो मैनी फायर क्रैकर्स गोइंग ऑफ नियर बाय। देयर आर सो मैनी फायर क्रैकर्स गोइंग ऑफ नियर बाय। गो ऑफ का मतलब होता है पटाखे फूटना। आप गो ऑफ की जगह एक्सप्लोड भी यूज़ कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग नियर बाय। एक्सप्लोडिंग, ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग है EXPLODE, लेकिन इसे बोलेंगे एक्सप्लोड ना कि एक्सप्लोड। ऑलराइट, पटाखा बजने के लिए आप बर्स्ट वर्ब भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे एक सेंटेंस देखते हैं जिन्हें हम तीनों वर्ब्स की हेल्प से बनाएंगे। पटाखे बज रहे हैं या फिर पटाखे फूट रहे हैं। द फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोडिंग। The firecrackers are exploding, or you can say the firecrackers are bursting. The firecrackers are bursting. Spelling है BURSTING, लेकिन यहाँ पे R silent है तो आप बोलेंगे bursting. Or you can say the firecrackers are going off. The firecrackers are going off. अब आप बोलते हैं पटाखा बज गया या फिर बॉम फूट गया। द फायर क्रैकर वेंट ऑफ। यहाँ आप गो की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, द फायर क्रैकर वेंट ऑफ। और यू कैन से द फायर क्रैकर बर्स्ट। बर्स्ट क्या है? बर्स्ट, 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 तीनों फॉर्म बर्स्ट की एक ही होती है। तो आप बोलेंगे द फायर क्रैकर बर्स्ट और द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड। द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड। पटाखा जोर से बजा या जोर से फटा। द फायर क्रैकर वेंट ऑफ विद अ बैंग। द फायर क्रैकर वेंट ऑफ विद अ बैंग।
और यू कैन से द फायर क्रैकर एक्सप्लोडेड विद अ बैंग, या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हैं द फायर क्रैकर वेंट बैंग, मतलब जोर की आवाज़ से पटाखा फटा। जोर की आवाज़ वाले पटाखे को बैंगर भी बोलते हैं, बैंगर, BANGER, बैंगर। मुझे तेज आवाज़ वाले पटाखों से डर लगता है, आई एम अफ्रेड ऑफ बैंगर्स, आई एम अफ्रेड ऑफ बैंगर्स। वे तीनों पटाखे बजा रहे हैं, दे थ्री आर लाइटिंग द फायर क्रैकर्स, दे थ्री आर लाइटिंग द फायर क्रैकर्स। आप और भी वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, दे थ्री आर सेटिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स, और दे थ्री आर लेटिंग ऑफ द फायर क्रैकर्स। लेट ऑफ का भी मतलब होता है पटाखे बजाना। पास मत जाओ, पटाखा बजने वाला है, डोंट गो क्लोजर, द फायर क्रैकर इज अबाउट टू गो ऑफ। डोंट गो क्लोजर, पास मत जाओ, द फायर क्रैकर इज अबाउट टू गो ऑफ, पटाखा बजने वाला है। और यू कैन से द फायर क्रैकर इज अबाउट टू एक्सप्लोड, मतलब पटाखा फूटने वाला है। पटाखा बजा ही नहीं, द फायर क्रैकर डिंट गो ऑफ, द फायर क्रैकर डिंट गो ऑफ। डिंट क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है डिड नॉट का, सो यू वॉन्ट टू से द फायर क्रैकर डिड नॉट गो ऑफ। जब कई बार पटाखा नहीं बजता तो बच्चे बोल देते ये फुस्सी था, मतलब ये बेकार था, इट वॉज अ डड, इट वॉज अ डड। डड का मतलब होता है बेकार का। ये बॉम्ब फुस्सी है, बेकार है। This cracker is a dud. This cracker is a dud. सारे बॉम्ब फुस्सी थे, मतलब सारे पटाखे बेकार थे। All the bombs were duds. All the bombs were duds. Or all the firecrackers, all the crackers were duds. मैंने पटाखे में आग लगाकर इंतज़ार किया कि ये बजे, लेकिन वो बजा ही नहीं, मतलब फुस हो गया, बेकार था। आई लिट द फायर क्रैकर एंड वेटेड फॉर इट टू गो ऑफ, बट इट वॉज अ डड। आई लिट द फायर क्रैकर, लिट है यहाँ पे लाइट की सेकेंड फॉर्म, लाइट का मतलब होता है जलाना। तो यहाँ मैंने बोला आई लिट द फायर क्रैकर, मैंने पटाखे में आग लगाई, एंड वेटेड फॉर इट टू गो ऑफ, और वेट किया कि वो बजे या फूटे, बट इट वॉज अ डड, लेकिन ये बेकार था, ये बेकार निकल गया। बॉक्स में से तीन पटाखे फुस्सी थे, मतलब बेकार थे। थ्री ऑफ द फायर वर्क्स इन द बॉक्स वर डड्स, थ्री ऑफ द फायर वर्क्स इन द बॉक्स वर डड्स। कितना गजब का पटाखा था ये, वॉट एन अमेजिंग क्रैकर इट वॉज, वॉट एन अमेजिंग क्रैकर इट वॉज। बहुत महंगा होगा, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव, इट मस्ट बी एक्सपेंसिव। इतने सारे पटाखे, वाओ, सो मैनी फायर वर्क्स, वाओ, सो मैनी फायर वर्क्स, वाओ। आज तो मज़े आएंगे, वील हैव फन टुडे, वील हैव फन टुडे। वील मतलब वी विल हैव फन टुडे। अब सभी पटाखों को संभाल कर एक तरफ रख दो, नाउ पुट ऑल द फायर वर्क्स असाइड केयरफुली, नाउ पुट ऑल द फायर वर्क्स असाइड केयरफुली। असाइड का मतलब होता है एक तरफ। मेरी फुलझड़ियाँ कहाँ हैं, फुलझड़ी, फुलझड़ी को बहुत से लोग छुरछुरी भी बोलते हैं। वेयर आर माई स्पार्कलर्स, वेयर आर माई स्पार्कलर्स। फुलझड़ी को इंग्लिश में स्पार्कलर बोलते हैं। वो उस डब्बे में है, दोज आर इन दैट बॉक्स, दोज आर इन दैट बॉक्स। लेकिन उन्हें ध्यान से जलाना, बट लाइट देम विद ग्रेट अटेंशन, बट लाइट देम विद ग्रेट अटेंशन। कपड़ों का ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स, टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स। बांह को ऊपर मोड़ लेना। जब बच्चे छुरछुरी या आप जो कहते हैं फुलझड़ी से जलाते हैं, तो क्योंकि कपड़ों में आग पकड़ने का डर है, तो आप बोलते हैं बांह को ऊपर मोड़ लेना, मतलब आस्तीन जो आपके कपड़े की है उसे ऊपर मोड़ लेना। रोल अप योर स्लीव्स, रोल अप योर स्लीव्स। फुलझड़ी को अपने से दूर रख कर पकड़ना। जब छोटे बच्चे फुलझड़ी जलाते हैं तो आप उन्हें बताते हैं कि फुलझड़ी को अपने से दूर रख कर पकड़ना। होल्ड द स्पार्कलर अवे फ्रॉम यू, होल्ड द स्पार्कलर अवे फ्रॉम यू। कैसा लग रहा है, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू फील। ये बहुत मज़ेदार है, इट्स रियली फन, इट्स रियली फन।
इट्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है इट इज़ का, तो आप बोलते हैं इट इज़ रियली फन, लेकिन ये जल्दी जलता ही नहीं, मतलब जल्दी आग नहीं पकड़ता. बट इट डजेंट इग्नाइट ईजली, बट इट डजेंट इग्नाइट ईजली. इग्नाइट का मतलब होता है जलना. फिर आप कहते हैं फुलझड़ियाँ जलाने के लिए पहले एक मोमबत्ती जला लो. फर्स्ट लाइट अप अ कैंडल टू इग्नाइट द स्पार्कलर्स. फर्स्ट लाइट अप अ कैंडल टू इग्नाइट द स्पार्कलर्स. जलाने के लिए आप किंडल भी यूज़ कर सकते हैं. लाइट अप अ कैंडल टू किंडल द स्पार्कलर्स. मैं फुलझड़ी जलाऊंगी. आई लाइट स्पार्कलर. आई लाइट स्पार्कलर. अब अगर कहना है मैंने फुलझड़ी जलाई, तो इसके लिए आप यहाँ लाइट की सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे, वो है लिट या फिर लाइटेड. लाइट की सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म लाइट लिट लिट या फिर लाइट लाइटेड लाइटेड, सभी ठीक है. अगर आपको कहना है मैंने फुलझड़ी जलाई, आई लिट अ स्पार्कलर या फिर आई लाइटेड अ स्पार्कलर. जलती हुई फुलझड़ी घर के अंदर लेकर मत आना. डोंट टेक अ लाइटेड स्पार्कलर इन टू द हाउस. डोंट टेक अ लाइटेड स्पार्कलर इन टू द हाउस. पटाखों से दूर रहो. दूर रहने के लिए आप बोलते हैं स्टैंड क्लियर ऑफ. स्टैंड क्लियर ऑफ द फायर वर्क्स. स्टैंड क्लियर ऑफ द फायर वर्क्स. गलियों में पटाखे मत फेंको. डोंट थ्रो फायर वर्क्स डाउन द स्ट्रीट. डोंट थ्रो फायर वर्क्स डाउन द स्ट्रीट. चलो चक्री जलाते हैं. कुछ लोग इसे चरखी भी बोलते हैं. चलो चरखी जलाते हैं. लेट्स लाइट द, एक्साइटेड है ना चक्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानने के लिए. लेट्स लाइट द कैथरीन व्हील. चक्री को कैथरीन व्हील बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में. अमेरिकन इंग्लिश में इसे बोलते हैं पिन व्हील. पिन व्हील. एंड इन आर इंडिया इट इज़ कॉल्ड ग्राउंड स्पिनर. ग्राउंड स्पिनर. तो आपके जो मन में आए आप वो यूज़ करें. चलो चक्री जलाते हैं. लेट्स लाइट द ग्राउंड स्पिनर या फिर लेट्स लाइट द कैथरीन व्हील या फिर लेट्स लाइट द पिन व्हील. जब ये घूमना शुरू करता है, व्हेन इट स्टार्ट्स व्हर्लिंग. व्हेन इट स्टार्ट्स व्हर्लिंग. व्हर्लिंग क्या है? डब्ल्यू एच आई आर एल व्हर्ल. इसका मतलब होता है तेज़ी से घूमना. आपने सुना होगा व्हर्लपूल वॉशिंग मशीन, वो इसी शब्द से बना है. सो व्हेन इट स्टार्ट्स व्हर्लिंग, बच्चे चिंगारियों पर उछलना शुरू कर देते हैं. जो चक्री से चिंगारियाँ बाहर आती हैं उस पर बच्चे उछलना शुरू कर देते हैं. किड्स स्टार्ट हॉपिंग ऑन इट्स स्पार्क्स. किड्स स्टार्ट हॉपिंग ऑन इट्स स्पार्क्स. हॉप का मतलब होता है ऊपर नीचे उछलना. तो आप कहते हैं पास मत जाओ नहीं तो जल जाओगे, या फिर पास मत जाना कहीं जल न जाओ. डोंट गो क्लोजर लेस्ट यू बी बर्न्ड. डोंट गो क्लोजर लेस्ट यू बी बर्न्ड. लेकिन वो कभी सुनते ही नहीं. बट दे जस्ट नेवर लिसन. बट दे जस्ट नेवर लिसन. तो इतना पक्का कर लें कि बच्चों ने जूते पहन रखे हों. सो मेक श्योर योर किड्स आर वेयरिंग शूज. सो मेक श्योर योर किड्स आर वेयरिंग शूज. शूज से याद आया वो जो सबसे छोटा फायरवर्क है चिटपुटिया, जो झटके से प्रेशर देने पे चिटपुट करके बजता है. याद आया ना? उसे बहुत से लोग पैरों से बजा लेते हैं शूज पहन के. ओके उसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉपिंग स्ट्रिप. पॉपिंग स्ट्रिप या फिर रोल कैप. रोल कैप. अब इस पे सेंटेंसेस देख लेते हैं. मेरा भाई तो इसे हाथ से ही बजाता था, मतलब पॉपिंग स्ट्रिप्स को हाथ से ही बजाता था. माई ब्रदर यूज टू पॉप इट यूजिंग हिज हैंड इट्सेल्फ. माई ब्रदर यूज टू पॉप इट यूजिंग हिज हैंड इट्सेल्फ. यहाँ मैंने बजाने के लिए कहा पॉप, क्योंकि यहाँ आप कोई मैच स्टिक या कोई आग नहीं यूज़ कर रहे हैं उसे जलाने के लिए, तो आप लाइट या इग्नाइट या फिर किंडल का यूज़ नहीं करेंगे. सिंपली यूज़ पॉप. उसे अपने पैरों से मत बजाओ. डोंट स्क्रैच दैट अंडर योर फूट. डोंट स्क्रैच दैट अंडर योर फूट. ये लो बंदूक, इससे बजाओ. याद आया बचपन में जब आप छोटी सी बंदूक होती थी, टॉय गन या फिर टॉय पिस्टल आप जो भी बोलें, उससे आप इसे बजाया करते थे. टेक दिस गन एंड पॉप देम विद दिस.
take this gun and pop them with this. Or you can say take this gun and use it. Take this gun and use it. अब आपको बोलना है चिटपुटिया को बंदूक में लगाओ, मतलब उसे बंदूक में लगाने के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द पिस्टल. लोड, लोड द पॉपिंग स्ट्रिप इन द पिस्टल और इन द गन. अब ट्रिगर दबाओ. नाउ पुश द ट्रिगर. नाउ पुश द ट्रिगर. मैं बचपन में पटाखों से बहुत डरती थी. आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ फायर वर्क्स इन माई चाइल्ड हुड. आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ फायर वर्क्स इन माई चाइल्ड हुड. मैं पॉपिंग स्ट्रिप भी पत्थर के टुकड़े से बजाया करती थी. आई यूज टू पॉप द पॉपिंग स्ट्रिप्स विद अ पीस ऑफ स्टोन. आई यूज टू पॉप द पॉपिंग स्ट्रिप्स विद अ पीस ऑफ स्टोन. मुझे गन से भी डर लगता था कि कहीं इसकी चिंगारी मेरे हाथों पे ना आ जाए. अब बात करते हैं अनार की. इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फ्लावर पॉट और फाउंटेन क्रैकर. बिकॉज आफ्टर लाइटिंग इट इट लुक्स लाइक अ फाउंटेन. जब ये जलता है उसके बाद ये एक फाउंटेन जैसा या फिर एक फ्लावर पॉट जैसा दिखता है, जैसे कि किसी पॉट में बहुत सारे टिमटिम करते हुए फ्लावर्स आ गए हों. अ पॉट फिल्ड विथ कलर्ड शाइनिंग फ्लावर्स. आंधे है ना. इसे जलाना बहुत खतरनाक है. दिस इज़ रियली रिस्की टू लाइट. दिस इज़ रियली रिस्की टू लाइट. क्योंकि यही एक ऐसा पटाखा है जिसमें बाती नहीं होती. बाती समझे आप? बाती मतलब कागज़ या डोरी जो पटाखे से अटैच्ड होती है जिसमें आप आग लगाते हैं. तो बाती को इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूज़. फ्यूज़ FUZE फ्यूज़. तो आप इस सेंटेंस को बोलेंगे दिस इज़ द ओनली फायरवर्क दैट डजंट हैव फ्यूज़ विद इट. This is the only firework that doesn't have fuse with it. इसमें इसके टॉप पर ही आग लगाकर भागना होता है. मोस्टली इसे फुलझड़ी से जलाते हैं. तो आप कहते हैं ये फुलझड़ी लो और उसे छुआ कर भागाओ. Take this sparkler and touch that off and run back. Take this sparkler and touch that off and run back. I said touch off. इसका मतलब भी होता है जलाना. To cause something to explode or fire या फिर to start a fire. इसे आप किसी भी पटाखे के लिए use कर सकते हैं. रिया पटाखे को आग लगा कर भाग आई. रिया touched off the firecracker and ran back. रिया touched off the firecracker and ran back. पटाखों को अगरबत्ती से जलाओ. अगरबत्ती जो हम पूजा में यूज़ करते हैं उसे इंग्लिश में जॉस स्टिक बोलते हैं. जॉस स्टिक. इट इज़ रिटन एज जॉस स्टिक JOSS देन एक हाइफन होता है देन STICK जॉस स्टिक. बट इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज जॉस स्टिक. पटाखों को अगरबत्ती से जलाओ. लाइट द फायर क्रैकर विद द बर्निंग जॉस स्टिक. लाइट द फायर क्रैकर विद द बर्निंग जॉस स्टिक. अगरबत्ती को बाती यानी कि फ्यूज़ में छुआ कर वापस आ जाओ. टच द जॉस स्टिक टू द फ्यूज़ एंड कम बैक. टच द जॉस स्टिक टू द फ्यूज़ एंड कम बैक. या फिर आप कहते हैं टच द फ्यूज़ विद द जॉस स्टिक एंड कम बैक. Does the fuse with the joystick and come back. अरे ये तो जला ही नहीं, मतलब जब आग ही नहीं पकड़ा तो आप बोलते हैं अरे ये तो जला ही नहीं. Oh, it didn't catch fire. Oh, it didn't catch fire. या फिर Oh, it didn't light. It didn't light. या फिर आप ये भी बोल सकते हैं Oh, it didn't touch off. It didn't touch off. या फिर आप कहते हैं कि ये फूटा ही नहीं, ये फटा ही नहीं. इट डिडंट एक्सप्लोड. इट डिडंट एक्सप्लोड. मैं उसे फिर से जलाने जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू रीलाइट द फ्यूज़. आई एम गोइंग टू रीलाइट द फ्यूज़. रीलाइट का मतलब फिर से जलाना. या फिर आप कहते हैं आई एम गोइंग टू लाइट दैट अगेन. आई एम गोइंग टू लाइट दैट अगेन. पास मत जाओ, ये किसी भी समय फट सकता है. डोंट गो क्लोजर, इट मे एक्सप्लोड एनी मिनट नाउ. डोंट गो क्लोजर, इट मे एक्सप्लोड एनी मिनट नाउ. अरे देखो थोड़ी सी चिंगारी है. ओ लुक, इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क इन इट. ओ लुक, इट हैज़ अ लिटिल स्पार्क इन इट. अरे ये तो बस हिल कर रह गया, मतलब हिस की आवाज़ करता है जब पटाखा और फटता नहीं. उसके लिए आप बोलते हैं ओ इट जस्ट फिजल्ड, डिंट एक्सप्लोड.
उसके लिए आपने वर्ब यूज़ किया फिजल. ओ इट जस्ट फिजल्ड डिंट एक्सप्लोड. फिजल का मतलब होता है हिस की आवाज़ करना, टू मेक अ फीबल हिजिंग और स्प्लैटरिंग साउंड. चलो रॉकेट जलाते हैं, लेट्स लाइट द रॉकेट्स. रॉकेट को स्काई रॉकेट भी बोलते हैं, तो आप बोल सकते हैं लेट्स लाइट द स्काई रॉकेट्स. रॉकेट को हम एक कांच की बोतल में रख के जलाते हैं, तो आप कहते हैं एक खाली कांच की बोतल ले आओ रॉकेट जलाने के लिए. गेट एन एम्प्टी ग्लास बॉटल टू लाइट द रॉकेट्स. गेट एन एम्प्टी ग्लास बॉटल टू लाइट द रॉकेट्स. जब छोटे बच्चे जिद करते हैं बड़े बड़े पटाखे जलाने की, तो आप उनसे बोलते हैं तुम बड़े नहीं हो तो तुम छोटे वाले पटाखे ही जलाओ. तो छोटे वाले पटाखों को जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं उन्हें बोलते हैं स्क्विब. यू आर नॉट अ ग्रोन अप, यू लाइट द स्क्विब्स ओनली. यू आर नॉट अ ग्रोन अप, तुम बड़े नहीं हो, यू लाइट द स्क्विब्स ओनली. स्क्विब मतलब फुसफुसा कर फटने वाले छोटे पटाखे. आपको याद होगा 10 पैसे के वो छोटे छोटे पटाखे जिनमें ज़्यादा लाउड आवाज़ नहीं होती थी. 10 रुपए की पूरी एक पैकेट आ जाती थी जिसमें 100 स्क्विब्स होते थे, यानी कि 100 छोटे छोटे पटाखे होते थे. गलियों में बच्चे छोटे वाले पटाखे जला रहे हैं. किड्स आर लाइटिंग स्क्विब्स इन द स्ट्रीट. किड्स आर लाइटिंग स्क्विब्स इन द स्ट्रीट. तुमने कभी चटाई जलाई है, या फिर लड़ी भी बोलते हैं इसे. तुमने कभी लड़ी जलाई है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पटाखे धागों की मदद से पिरोए होते हैं. हैव यू एवर सेट ऑफ अ चेन ऑफ फायर क्रैकर्स. जी हाँ, चटाई या लड़ियाँ इसे बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, या फिर गारलैंड ऑफ फायर क्रैकर्स. गारलैंड मीन्स माला होता है, क्योंकि धागों से पिरोया होता है इसलिए इसे गारलैंड बोलते हैं. Have you ever set off a chain of firecrackers, or have you ever set off a garland of firecrackers? And last firework but not the least, black snake. Matches जैसी छोटी सी डिबिया में आता था black color का, even अभी भी आता होगा. Black color के round tablets जिसे जलाने पर बच्चे बहुत खुश होते हैं, because it's really amazing to see it burning as it becomes as a long snake out of a small tablet. छोटा सा tablet आपने अगर जलाया तो उससे एक स्नेक जैसा निकल के आता है बाहर black color का. तो आप बोलते हैं let's burn the snake tablets. चलो snake tablets जलाते हैं. देखो ये निकलना शुरू हो गया. लुक इट्स स्टार्टेड कमिंग आउट. लुक इट्स स्टार्टेड कमिंग आउट. अब आपने हर तरह के पटाखों के इंग्लिश में नाम सीख लिए, और भी सेंटेंसेस देख लेते हैं जो आपकी इंग्लिश को और बेहतर बनाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी. मुझे और फुलझड़ियाँ चाहिए. आई वॉन्ट मोर स्पार्कलर्स. आई वॉन्ट मोर स्पार्कलर्स. क्यों, बाकी की फुलझड़ियाँ कहाँ हैं? Why, where are the rest of the sparklers? Why, where are the rest of the sparklers? भैया ने एक एक करके सारी जला डाली, मतलब सारा बॉक्स ख़त्म कर दिया. Brother ignited the entire box one after another. Brother ignited the entire box one after another. लंबी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, क्योंकि उसमें आग पकड़ सकता है, आग लग सकती है. डोंट वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स एज दे माइट कैच फायर. डोंट वेयर लॉन्ग स्लीव्ड क्लॉथ्स. लंबी आस्तीन के कपड़े मत पहनो, क्योंकि एज दे माइट कैच फायर, उसमें आग लग सकती है. फुलझड़ी जलाने के बाद इसे कहीं और फेंकना जहाँ कोई छुए ना. आफ्टर लाइटिंग द स्पार्कलर्स थ्रो देम समवेयर एल्स वेयर नो वन कुड टच इट, और यू कैन से वेयर नो वन कुड रीच. आफ्टर लाइटिंग द स्पार्कलर्स, स्पार्कलर्स को जलाने के बाद थ्रो देम समवेयर एल्स, उन्हें कहीं और फेंकना. वेयर नो वन कुड टच इट, जहाँ कोई इसे छू ना सके, या फिर वेयर नो वन कुड रीच, जहाँ कोई पहुँच ना सके. पिछली दिवाली पटाखे की एक चिंगारी से पर्दे ने आग पकड़ ली थी. लास्ट दिवाली अ स्पार्क फ्रॉम द फायरवर्क हैड सेट लाइट टू अ कर्टन. लास्ट दिवाली अ स्पार्क फ्रॉम द फायरवर्क हैड सेट लाइट टू अ कर्टन. सेट लाइट टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ के जरिए किसी चीज़ में आग पकड़ना. अचानक से एक बॉम्ब पास में ही बज गया. Suddenly a firecracker exploded nearby. Suddenly a firecracker exploded nearby.
बहुत तेजी से आवाज करने वाले पटाखे को जैसा कि मैंने बताया बैंगर बोलते हैं, तो आप ये भी बोल सकते हैं सडनली अ बैंगर एक्सप्लोडेड नियर बाय। मुझसे पटाखों की आवाज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। आई कांट अबाइड द नॉइज ऑफ क्रैकर्स, आई कांट अबाइड द नॉइज ऑफ क्रैकर्स। ये पटाखे तो कान झन्ना देते हैं। दीज फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस ईयर शैटरिंग नॉइज, दीज फायर क्रैकर्स प्रोड्यूस ईयर शैटरिंग नॉइज। हर जगह पटाखे ही पटाखे बज रहे हैं। देयर आर फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर, देयर आर फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग एवरीवेयर। पटाखा फूटा तो जोर की आवाज हुई। द फायर क्रैकर ब्लू आउट अ लाउड नॉइज एज इट एक्सप्लोडेड, द फायर क्रैकर ब्लू आउट अ लाउड नॉइज एज इट एक्सप्लोडेड। उन पटाखों का ज़रूर से ध्यान रखना जो वहाँ कोने में पड़े हुए हैं, क्योंकि छोटी सी भी चिंगारी से सारे जलने लग जाएंगे, फटने लग जाएंगे। डू बी केयरफुल विद द फायर वर्क्स रेस्टिंग इन द कॉर्नर एज द स्लाइटेस्ट स्पार्क कुड सेट देम ऑफ। डू बी केयरफुल, यहाँ मैंने डू का यूज़ किया है ज़रूर से के लिए, जोर दे के कह रहे हैं ज़रूर से ध्यान रखना। सो डू बी केयरफुल विद द फायर वर्क्स रेस्टिंग इन द कॉर्नर, जो कि कॉर्नर में पड़े हुए हैं, एज द स्लाइटेस्ट स्पार्क कुड सेट देम ऑफ। छोटी सी भी चिंगारी उनमें आग लगा सकती है। जब सड़क पर किसी को पटाखे जलाते देखो तो उसके फटने का इंतज़ार करो फिर आगे बढ़ो, ऐसा आप अपने बच्चों से बोलते हैं। When you see somebody lighting a firecracker, wait for that to explode. Or you can say, wait for that to go off, then move forward. पूरी रात आसमान में पटाखे उड़ते रहे। जब पटाखे आकाश में जाके आसमान में उड़ते हैं उसके लिए आप बोलते हैं पूरी रात आसमान में पटाखे बजते रहे या उड़ते रहे। The fireworks soared into the sky all night long. Soar का मतलब होता है उड़ना। The fireworks soared into the sky all night long. बहुत ध्यान से पटाखे जलाना। Be very careful when lighting fireworks. Be very careful when lighting fireworks. कुछ पटाखे बेकार निकल गए। Several of the fireworks were duds. Several of the fireworks were duds. Several का मतलब होता है more than two but not many, दो से ज़्यादा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पटाखे छुड़ाना खतरनाक है लेकिन मज़ेदार भी। Setting of fireworks is dangerous but fun too. Setting of fireworks is dangerous but fun too. रात पटाखों से रोशन हो गई। द नाइट स्काई वॉज लिट अप विथ फायर वर्क्स, द नाइट स्काई वॉज लिट अप विथ फायर वर्क्स। या फिर आप बोलते हैं द फायर वर्क्स लिट अप द स्काई, द फायर वर्क्स लिट अप द स्काई। आसमान पटाखों की रोशनी से भर गया, जगमगा उठा। पटाखे बजने ठीक 7 बजे शुरू हो गए थे। द फायर वर्क्स बिगैन एट 7 o'clock precisely. The fireworks began at 7 o'clock precisely. Precisely का मतलब होता है sharp, मतलब कि ठीक 7 बजे पटाखे बजने शुरू हो गए थे। घर के पास पटाखे मत जलाओ। Don't let off fireworks near the house. या फिर don't set off fireworks near the house. वाहनों के पास पटाखे मत जलाओ। Don't set off fireworks near the vehicles. Don't set off fireworks near the vehicles. आसमान रंग बिरंगे पटाखों से भरा हुआ है। The sky is full of bright colored fireworks. The sky is full of bright colored fireworks. मुझे अभी घर जाना होगा, अगर देर हो गई तो पटाखे बजने लगेंगे। I have to go home now. There will be fireworks if I'm late. I have to go home now. There will be fireworks if I'm late. Alright guys, that's all for today. आज के इस वीडियो में आपने पटाखों से जुड़े यानी कि दिवाली के दिन पटाखे बजाते वक्त कैसे इंग्लिश में बात करनी है बहुत सारे सेंटेंसेस सीखे। मेरी अगली वीडियो आपको मिस नहीं करनी है, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अगर आप पहले से ही सब्सक्राइब्ड हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, ताकि दिवाली तक लोगों के पास ये सेंटेंसेस पहुँच जाए कि वो दिवाली के दिन कैसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं।
एंड गाइस एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं अब पटाखे नहीं बजाती एज द पोल्यूशन लेवल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आप पटाखे जलाते हैं या नहीं, या फिर दिवाली पे पटाखे जलाने चाहिए या नहीं। आपकी ओपिनियन क्या है इस पे, ये कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, यस और नो में। पटाखे जलाने हैं या नहीं जलाने हैं, जलाने चाहिए या नहीं जलाने चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि औरों को भी आम बोलचाल के इंग्लिश सीखने में मदद मिले, और कमेंट ज़रूर लिख के मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय फॉर नाउ।